नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया मैं भूपेंद्र दीक्षित आई इंडिया की टीम पहुंची है सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड गुरुकुल विद्या जो रोटी गोदाम में स्थित है मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल विद्या एक ऐसे व्यक्तित्व की मेमोरी में उनके सुपुत्र जो वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं श्री शाकेत मिश्र जी ने सीतापुर जनपद के बच्चों के लिए शुभारंभ उसका किया है जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया सीतापुर को हिंदी अवधि के क्षेत्र में पूरे देश के पटल पर स्थापित करने का काम डॉक्टर श्याम सुंदर मधुप ने किया उन्होंने न सिर्फ सीतापुर की झोली में पहला साहित्य भूषण सम्मान डाला वरन देश के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के लगभग कमोबे सभी मुख्यमंत्रियों के द्वारा सीतापुर जनपद को गौरवान्वित कराया सम्मानित कराया ऐसे उनके सुयोग्य पुत्र साकेत जिसकी स्थापना आध्यात्मिक और शैक्षिक दो उद्देश्यों को लेकर के शेष डॉ मधुप जी ने की थी आज वो मुकाम उनके सुपुत्र के द्वारा पा लिया गया है गुरुकुल विद्या शैक्षिक संस्थान का शुभारंभ अभी महज कुछ महीनों पहले आदि जगत गुरु, गुरु शंकराचार्य कांची काम कोटिपीठ के सरस्वती विजयेंद्र सरस्वती जी ने किया था सत्र अप्रैल जो 2024 25 है उसका आरंभ होने वाला है इसी सत्र से गुरुकुल विद्या जो सी बोर्ड से एफिलेटेड है उसका भी शुभारंभ होना होना है हमारे साथ गुरुकुल विद्या के चेयरमैन तत्पर मिश्र जी हैं हम तत्पर जी से जानेंगे कि जो नाम है सामान्यतया देखने को मिलता है कि इस तरह के नाम विद्यालयों के तत्पर जी नहीं होते ये नाम आपको कहाँ से आप आपने सोचा पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जिस हिसाब से आपने मेरे पूज्य बाबा की बात करी तो ये सारा मार्गदर्शन और यह सारी की सारी जो चीज़ें हमने तैयार करी हैं वो उन्हीं को इन एज मेमोरी वो सारी की सारी चीज़ें हमने तैयार करी हैं जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा जो है वो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है आ, पहले की शिक्षा में आप जानते हैं कि गुरुकुल आ, का एक पूरा सिलेबस हुआ करता था देर आर मल्टीपल किंग्स एंड मल्टीपल पीपल जिन्होंने गुरुकुल को इस्टबलिश किया आज वैसे ही कुछ हम ट्रडिशन और इनोवेशन के एक मिक्सचर को गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल के माध्यम से uh, सीतापुर में लेके आए हैं और हमारी कोशिश है कि जो पुरानी परंपराएँ जो पुराने संस्कार हैं इन अकॉर्डिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू इनोवेशन दैट एजुकेशन इज साइटिंग टूडे हम उस का एक, एक अच्छा मिक्सचर लेके आए हैं एंड वी वांट टू गिव द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सीतापुर पर जी आपने बताया यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो किस क्लास के बच्चे आएँगे और उसके बाद किस क्लास तक उनको आप जो है एज ए कम्प्लीट मैन बनाकर भेजेंगे अभी करेंटली हम जो एडमिशन्स ले रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो प्री प्राइमरी क्लासेस प्राइमरी क्लासेस टिल क्लास एट्थ इज द रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन वेल वी हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन टिल इंटरमीडिएट क्लासेस तो वी आर गोइंग टिल क्लास ट्वेल्थ द आइडिया इज टू नॉट लिमिट आर सेल्व्स to only kids what we want to do is we want to build a complete man we want to work on the holistic development of every child and we want to take this opportunity and convert every children to a responsible citizen and a good citizen निश्चित तौर पर तत्पर जी ने आपको बताया एक बहुत ही जिम्मेदार और एक अच्छा नागरिक बना करके वो जो गुरुकुल विद्या से निकलेगा वो सीतापुर के लिए बनेगा और सीतापुर का नाम आगे बढ़ाएगा तो पर भी यहाँ पर चूँकि मैंने जो आपका प्रॉस्पेक्टस देखा है उसमें आपने यहाँ पे बच्चों को जो है जो भोजन की सुविधाएं दी हैं उसमें जो एक मेडिकली बच्चों को जितनी कैलोरी चाहिए होती है और जिन जिन टाइम शेड्यूल में चाहिए होती है पूरा मैंने देखा है हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप एक पूरा जो आपका शेड्यूल है वो समझाएंगे ये बहुत अच्छा सवाल है ये जो हमने सो वी हैव बीन रनिंग दिस आइडिया द आइडिएशन इज अराउंड थ्री टू फोर इयर्स बैक वी विजिटेड मल्टीपल कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर और हमने एक चीज़ ये पाई कि सारे के सारे देश एक बच्चे के संपूर्ण उसका संपूर्ण खाना पीना पढ़ाई लिखाई हर चीज़ को छूता है वैसे ही सोच के साथ हमने गुरुकुल विद्या में भी डब्ल्यू एच ओ अप्रूव जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि एक हेल्दी किट को 1300 कैलोरीज का लगता है पूरे दिन में खाने पीने के लिए तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा डाइट चार्ट तैयार किया है हमने अपना ब्रेकफास्ट जैसे ही बच्चा सुबह आएगा उसको असेंबली के बाद उसका ब्रेकफास्ट मिलेगा उसको लंच मिलेगा 650 हंड्रेड फिफ्टी किलो कैलरीज और उसको उसके बाद इवनिंग स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स मिलेंगे तो इन टोटल हम उसको 1300 किलो कैलरी एक बच्चे को प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे उसका मानसिक तो विकास हो ही हो उसका शारीरिक विकास भी हमारे स्कूल में आके गुरुकुल विद्या के प्रमाइसिस पे हो निश्चित तौर पर आ, मानसिक विकास अमूमन शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य होता है लेकिन गुरुकुल विद्या का जो उद्देश्य है वो शैक्षिक के साथ साथ मानसिक विकास का भी है इसलिए जो पूरी मेडिकली बच्चों को 1300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है आ, पूरे दिन में आ, उसके अनुसार आपने जो डाइट फिक्स की है वो है हम एक चीज़ और आपसे तत्पर जी जानना चाहते हैं चूँकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है और जो ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं तो हमारी जो फीस हमने रखी है गुरुकुल विद्या की जो हमने फीस रखी है वो हमने सीतापुर के नागरिकों के लिए सीतापुर के बच्चों को बच्चों के लिए बहुत ही मिनिमल रखी है हमने एडमिशन फ़ीस अपनी ज़ीरो कर दी है हमने जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 100 परसेंट रिफंडेबल फ़ीस है जब भी बच्चा अगर किसी दूसरे संस्थान जाना चाहता है तो वो हंड्रेड परसेंट रिफंडेबल फीस है उसके अलावा जो हमारी फ़ीस है तीन टाइम का डाइट के साथ पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 50 परसेंट करिकुलर और 50 परसेंट एजुकेशन के साथ उनकी जो एक बहुत ही नॉमिनल फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ की फीस हमने तय करी है फाइव थाउजेंड रुपीज़ एक uh, आप कहेंगे फैसिलिटी के हिसाब से बहुत ही नार्मल फ़ी है एडमिशन फ़ी फ्री आपने बताया और uh, जो सिक्योरिटी मनी है वो हंड्रेड परसेंट रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है uh, हम एक चीज़ और आपसे तत्पर जी जानना चाहेंगे uh, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं लगभग कमोबेश सभी शिक्षण संस्थानों की यही स्थिति है कि पूरे जनपद के कोने कोने से बच्चे आते हैं हमें मान के चलते हैं कि गुरुकुल विद्या में भी पूरे जनपद के कोने कोने से बच्चे आएंगे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पे क्या हमने पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जितने सीतापुर के सारे ब्लॉक हैं उन सारे ब्लॉक का भ्रमण करके हमने सारी वैन्स और बसेस की सुविधाएँ लागू करी हुई हैं अच्छा जो टीचिंग स्टाफ है आ, और टीचिंग स्टाफ अपने यहाँ उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे जो अपना टीचिंग स्टाफ है जो हमने ऑपरेशंस के हेड रखे हैं फॉर्मर एल्यूमिन आई ऑफ आईटी दिल्ली जो हमने टीचर्स अपॉइंट uh, किए हैं वो हम दिल्ली से लखनऊ से लेके आ रहे हैं अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार स्टाफ हम सीतापुर से भी हायर कर रहे हैं तो वी वॉन्ट टू बिल्ड अ सोसाइटी जहाँ पर सारे के सारे टीचर्स सारे के सारे बच्चे एक परिवार जैसे माहौल में रहें आपस में घुल मिल के रहें उसके लिए हम अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं क्योंकि गुरुकुल विद्या एज अ कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इट इज़ अ फर्स्ट इन अ फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट स्पेशली क्यूरेटेड बाई आई आई एंड आई तो उसकी ट्रेनिंग हम अपने टीचर्स को भी दे रहे हैं उसकी ट्रेनिंग हम जो हमारे पास आया रखी हैं हमने उनको भी दिया है हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादातर फीमेल आया रखें आजकल बच्चों की देखभाल के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं उसमें नहीं जाते बट उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने अपने वैन्स में स्कूल्स की बसेस में भी हमने एक फ़ीमेल स्टाफ अपॉइंट करने का सोचा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो लोकली डेली लखनऊ और अगर कोशिश रही और आप लोग का सहयोग रहा तो हम बाहर से भी लेके आएंगे और गुरुकुल विद्या को एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी जो हम बोल रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन रिफॉर्म जो बोल रहे हैं वहाँ तक लेके जाएं। तत्पर जी एक चीज़ अभी मैं जब भ्रमण कर रहा था आपकी क्लासरूम्स का मेस का तो मैंने देखा कि जो बच्चों के खाने का आ, की व्यवस्था आपने की है सामान्यतया देखा जाता है कि स्टील की थाली में या इस तरीके की आ, जो है क्रॉकरीज़ में फैसिलिटी रहती है हॉस्टल में आपने यहाँ तांबे की जो एक वास्तव में जो आ, हमारी संस्कृति रही है ऐसी व्यवस्था की है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने बोला कि परंपरा और आधुनिकता का जो हमारा मिक्सचर है उसी का ही एक छोटा सा डेमो आपने हमारी मेस में देखा हम जब इंडोनेशिया भ्रमण पे गए तो हमने देखा कि वहाँ के जो आज के कल्चर हैं वो उन्होंने पुराने कल्चर को आज तक सजो के रखा हुआ है और यही कोशिश हमारी भी है कि जो हमारा पुराना कल्चर रहा है तांबे में खाने का कॉपर यूज़ करने का टिन एज अ एलिमेंट यूज़ करने का बिकॉज़ इट ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी साइंटिफिक वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा कॉपर और टिन का जब हम यूज़ करते हैं खाने में तो आपका जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है इट इंक्रीजेस तो इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग जो हम आधुनिकता में भूल गए हमारी गुरुकुल विद्या में ये कोशिश है कि वही सारी चीज़ें परंपरा जो हमें मजबूत बनाती हैं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले स्ट्रांग करती थी वो हम अपने स्कूल के माध्यम से वापस लेके आए एक चीज़ और हम आपसे तत्पर जाना चाहेंगे बल्कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपने खाने की बात की आपने शिक्षा की बात की आ, मैं देख रहा था कि आपने एक बहुत अच्छा आ, मेडिकल रूम भी डेवलप कर रखा है उसमें किस तरह के फैसिलिटीज हैं क्या कोई चिकित्सक या फार्मासिस्ट की भी आपने व्यवस्था कर रखी है तो जो हमारा मेडिकल रूम है आपने बिल्कुल सही देखा और समझा हमने एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रूम भी यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है हमारी कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा चाहे उसे छोटी सी चोट लगे उसको उसी टाइम पे इमिडियट असिस्टेंस मिले हमने एक एस ओवेस एमरजेंसी सर्विस रखी है जहाँ पर एक फार्मासिस्ट और नियर बाई डॉक्टर्स को हमने एलोकेट किया है डॉक्टर्स हर पंद्रह दिन हर बीस दिन में चेकअप करते रहेंगे हम हर एक बच्चे का एक कम्प्लीट हेल्थ कार्ड बना रहे हैं जहाँ पर उसका हाइट वेट, बीएमआई, ये सारी की सारी चीज़ें चेक होंगी उसका कंटिन्यूस आईसाइट चेक होएगा उसका ब्लड ग्रुप से लेकर उसकी सारी चीज़ें जो जो उसको लगेगा एक हेल्दी बच्चा तैयार होने में वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमने अपने मेडिकल रूम में दी एक लास्ट क्वेश्चन तत्पर जी आ, मेडिकली आ, आपने बता दिया शिक्षा का उद्देश्य आपने बता दिया उसका स्तर भी बता दिया निश्चंदेह बहुत ही उच्च स्तरीय व्यवस्था गुरुकुल विद्या में की गई हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए संभवतः खेलों की भी आवश्यकता होती है एक अच्छा खासा ग्राउंड है आपके पास में मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल आपने बना रखा है स्पोर्ट्स के लिए क्या कहेंगे स्पोर्ट्स तो आजकल जैसे जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने अपने स्कूल में जो 50 परसेंट करिकुलम और 50 परसेंट को करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट रखा है उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम 50 परसेंट फोकस उसकी पढ़ाई पे करें और 50 परसेंट फोकस हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करें जब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं प्री प्राइमरी बच्चों के एक्टिविटी रूम की बात कर रहा हूँ मैं बंजी जंपिंग की बात कर रहा हूँ मैं वॉल क्लाइंबिंग की बात कर रहा हूँ मैं रोप क्लाइंबिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा है पर वो एज अ टीम वो एक टीम की तरह सोच रहा है वो बच्चा सोच रहा है कि कैसे एक टीम की तरह मैं आगे चलना है आपने स्विमिंग पूल देखा हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है हमने टेबल टेनिस की सुविधाएं दी हुई हैं हम क्रिकेट और फुटबॉल और एथलेटिक्स का भी को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे स्कूल में हमारी कोशिश ये है कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो सिर्फ पढ़ाई में बांधा ना रह जाए रटा रटाया ज्ञान ना रह जाए हमारी कोशिश ये है कि जब एक बच्चा बाहर निकले गुरुकुल विद्या से तो जब उसे कोई भी माँ बाप देखे तो वो बोले कि आ, ये बच्चा गुरुकुल विद्या का पब्लिक स्कूल का बच्चा है इन्होंने एक्सेल किया है खेल में इन्होंने एक्सेल किया है पढ़ाई में इन्होंने एक्सेल किया है म्यूज़िक में डांस में ड्रामा में वो सारी चीज़ें हमने अपने स्कूल के माध्यम से देने की कोशिश करी है आ, बहुत ही डिटेल में आपने सारी फैसिलिटीज़ बताई गुरुकुल विद्या की हमारे साथ में गुरुकुल विद्या विद्यालय की मेंटर मेघा जी उपस्थित हैं मैंने देखा है संभवतः आप भी ये मान नहीं होंगी कि महिलाओं का छोटे बच्चों से बहुत लगाव हो मेघा जी एक्टिविटी रूम जो आपका है बच्चों का मैंने देखा जो पीजी यूकेजी के बच्चों का एक्टिविटी रूम है वो बहुत ही हेल्दी है Uh, ये कॉन्सेप्ट uh, आपने कहाँ से सीखा और सीतापुर के बच्चों को आप इसके माध्यम से क्या देना चाह रहे हैं सो इफ यू लुक एट आर एक्टिविटी रूम वाया दैट वी वॉन्टेड टू कवर द होल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड सो इसका इंस्परेशन हमने ज़रूर uh, अलग अलग एलिमेंट से लिया है बट द इट्स एक्चुअली आर ओरिजिनल आइडिया वेयर इन वी वॉन्ट टू कवर द रीडिंग स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड वी आर ऑल्सो सेंगर द प्ले व क्रिएटेड अ वेरी अट्रैक्टिव एक्टिविटी रूम इफ़ यू लुक एट इट इट वुड हैल दलर्स इन इट सो वी आर ऑल्सो टैक्लिंग वी आर ऑल्सो डूइंग सेंसरी प्ले फॉर द चाइल्ड यू नो अगर आप देखेंगे तो अगर एक बच्चे को बहुत सारे कलर्स दिखते हैं तो दैट इज़ वेयर उनका क्रिएटिविटी uh, स्किल्स और उनका मेंटल स्ट्रेंथ और बढ़ता है तो यही रख कर हमने बहुत कलरफुल सा और सारी चीज़ों को बैलेंस करके दैट देयर शुड बी अ रीडिंग रूम देयर शुड आल्सो बी अ प्ले रूम राइट हमने हर टाइप के स्विंग्स वहाँ पे ला के रखे हैं ऑल्सो uh, uh, जैसे uh, मेरे पापा जी uh, श्री साकेत मिश्रा जी उनका मानना है कि कोर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है तो हमने रॉक क्लाइंबिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है वी हैव Uh, curated it specially for the kids so keeping that in mind and also keeping in mind that uh, an individual needs to have uh, you know uh, they also need to be sympathetic sympathetic towards the environment around us we have also ke kept a sandpit uh, taki takibacha uh, sand se mitti se enjoy kare

क्लोजर टू द नेचर मेखा एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैंने देखा कि पूरे कैंपस में मुझे पॉलीथिन देखने को नहीं मिली आ, मैं पूछ रहा था तत्पर से कि आ, क्या पॉलीथिन मुक्त कैंपस है इस पर क्या कहेंगे बिल्कुल हमारी बिल्कुल यही कोशिश रहेगी एंड To a certain uh, extent, we have also achieved that, that uh, we are avoiding disposable plastics as much as possible. If, uh, As uh, uh, Tatpar Sarji, as Tatpar sir uh, explained, uh, we are using copper utensils. You know, instead of using disposable plastics, we are serving food in high-quality copper utensils, uh, which would help in the health of the child. देन uh, uh, अगर आप देखेंगे हमारी स्कूल यूनिफॉर्म भी हम हैंड वोवन खादी यूज़ कर रहे हैं इससे खादी से क्या होता है uh, जैसे हमारी अभी बात हुई कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम पॉलीएस्टर नाइलॉन सिंथेटिक फैब्रिक्स की तरफ आ रहे हैं सो so, हमने सोचा कि हम खादी का उपयोग करेंगे हमारी यूनिफॉर्म बनाने के लिए बिकॉज वाई वन इट्स अ ब्रीदेबल फैब्रिक इट्स गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड then it would देन इट वुसो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू hand लोकल हैंडर्स तत्पर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आ, खेल स्वास्थ शिक्षा इन्वायरमेंट सारी चीज़ें हो गई एक चीज़ और मैंने देखा कि बहुत रिच लाइब्रेरी आपने बना रखी है आ, किस तरह की बुक्स उसमें होंगी कैसा माहौल आप देंगे उस लाइब्रेरी में आ, लाइब्रेरी तो एक स्कूल की जान होती है और uh, मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ मेरे बाबा हम हमेशा बुक्स और किताबों से घिरे रहे तो हमारा गुरुकुल विद्या कॉन्सेप्ट भी यही है, है कि हम कैसे लाइब्रेरी में बुक्स के तरीके से थ्री इमेजिंग के तरीके से वीडियोज़ के तरीके से कैसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें हमारी लाइब्रेरी में ज्ञान विज्ञान सारी सारी छोटी छोटी चीज़ें महाभारत गीता रामायण उपनिषद वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक एक अच्छा सिटीजन बनाएगा वो कम्प्लीट सेटअप हम अपने लाइब्रेरी में लेके आए हैं वी हैव स्टार वॉर्स वी हैव महात्मा गांधी वी हैव पावर रेंजर्स वी हैव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ये मिक्सचर एक आधुनिकता का परंपरा से जोड़ने का जो हमारा गुरुकुल विद्या का कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ गुरुकुल विद्या जिस तुलसी पीठ द्वारा संचालित है उस पीठ के पीठाधीशर आदरणीय साकेत मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं हम साकेत जी से की तरफ आपको ले चलते हैं साकेत जी से ये जानेंगे कि गुरुकुल विद्या के साथ साथ आज के अवसर पर वो सीतापुर जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे और इसके आगे उनका क्या लक्ष्य है साकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया का धन्यवाद आपका धन्यवाद पंकज सिंह जी का धन्यवाद बहुत राजनीति कर ली जो मैं करना चाहता था राजनीति के ज़रिए शिक्षा को ही मेरा बेस था और शिक्षा क्योंकि मैं एक शिक्षक पुत्र होने के नाते डॉक्टर श्याम सुंदर मधु जी का पुत्र होने के नाते श्रीमती मर्मिला मिश्रा जी का पुत्र होने के नाते जो गीतकार भी थी मेरा यह कर्तव्य बनता है कि शिक्षा का प्रसार और प्रसार देश और दुनिया में खूब होना चाहिए लेकिन कहना ना होगा कि हमारे सीतापुर के अंदर आज भी कोई भी ऐसा शिक्षित माहौल नहीं है हमने देखा है बड़े बड़े स्कूल आ रहे हैं बड़े बड़े संस्थान हैं लेकिन वो कुछ दे नहीं रहे हैं और वो देना भी नहीं चाहते बिल्डिंग से पढ़ाइयाँ नहीं हुआ करती पढ़ाइयाँ भावों से होती हैं भावना से होती है लगन से होती है और एक सोच से होती है शिक्षा धंधा नहीं है शिक्षा सेवा है और यही सेवा का व्रत मेरा राजनीति में भी था और आज यही सेवा का व्रत मेरा शिक्षा में भी है मेरा मानना है कि अगर आपने एक व्यक्ति को शिक्षित कर दिया तो आपने देश बना दिया आपने गांव बना दिए अपने गलियारे बना दिए मैं तो मेरा कहना है जैसे महापुरुषों ने कहा है कि आप आधी रोटी खाओ आप अपने खर्चों को कम करो जो यहाँ पे अभिभावक आते हैं वो बोलते हैं कि आपने फीस पाँच हज़ार रख दी मैंने कहा कि पाँच हज़ार फीस आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं उनका अपना कॉन्सेप्ट क्योंकि ज़्यादातर तो तत्पर ही बात करते हैं मैं बहुत कम बात करता हूँ मैं तो इन लोगों की अब उसमें हूँ कि मैं सेटअप बना दूँ कि कैसे आगे बढ़ना है तो मैं बोलता हूँ कि पाँच हज़ार की जो फीस है मैं तो आपके बच्चे को खिला रहा हूँ यहाँ पर मैं अपने पास से लगा रहा हूँ मैं तेरह सौ कैलोरी का मैंने आहार ही औषधि है अगर बच्चे के अंदर अगर छोटे से ए, उसके अंदर ताकत नहीं हुई उसके अंदर यादाश्त नहीं हुई उसके अंदर स्टेमिना नहीं हुआ उसके अंदर ऊर्जा नहीं हुई तो वो पढ़ भी नहीं सकता और हम यहाँ पर बच्चों को केवल खिला रहे हैं खाना भी खिला रहे हैं और खेल खिला रहे हैं और खेल खिलाते खिलाते हम उनको वो चीज़ देंगे कि एक पाँच का बच्चा एक दस की मैथ जब बांट के लगा ले तब तो इस गुरुकुल का फायदा है वरना ये गुरुकुल मैं बंद कर दूंगा मैं तो मैं तेरह सौ दे रहा हूँ सुबह बच्चा आएगा और उसको आपको केवल माओ को तैयार करके भेज देना है सात बजे और पाँच बजे तक वो मेरे साथ रहेगा क्योंकि आजकल के बड़े बच्चे बड़े स्कूलों में चले जाते हैं आठ बजे रोते रोते गए और ग्यारह बजे उनके पेरेंट जाकर खड़े हैं और ले आए उससे क्या फ़ायदा वो सीखेगा नहीं जितना ज़्यादा क्योंकि गुरुकुल का मतलब ही है कि गुरु का कुल कुल मतलब परिवार हम एक परिवार की तरह गुरु की तरह यहाँ पर रह करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय जितना हम बच्चों को समय देंगे हमारे कॉन्सेप्ट में भी यही लिखा है आप जब पढ़ेंगे उसके अंदर तो सारा कुछ लिखा है कि अब जितना ज़्यादा हम समय देंगे उतना ज़्यादा हम बच्चे को सिखा सकते हैं तो बड़े बड़े स्कूलों में मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता तो लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा सुबह ओट्स है दलिया है ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं दूध है वो सुबह उसको मिलेगा तीन सौ कैलोरी का उसके बाद दोपहर का खाना है खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और एक कोई दही या दूध फिर है उसको फिर तीन चार बजे शाम का जो उसका रिफ्रेशमेंट है उसमें भी मुरमुरे हैं चने हैं जो गुंझा हम लोग कभी देते थे जो बच्चों को फ़ायदा करे मैं बच्चों को फास्ट फूड से दूर करना चाहता हूँ मैं बच्चों को बाहर की चीज़ों से दूर करना चाहता हूँ वो सब मिला के तेरह एक बच्चे को तेरह सौ कैलोरी होनी चाहिए वो तेरह सौ कलोरी में दे रहा हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ये बताओ एक बर्गर आप खिला देते हो सौ रुपये का बर्गर हो गया नौ सौ रुपये का पिज़्ज़ा हो गया अरे भाई क्या पचास रुपये का भी एक खाना नहीं है तो साढ़े चार हजार रुपये तो वही हो गए तो जब साढ़े चार हजार फिर मैं लेके आ रहा हूँ पाँच हज़ार पाँच सौ में आपका बच्चा मेरे पास दिन भर रहेगा टीचर होंगे अच्छे टीचर होंगे क्वालिफाइड टीचर होंगे क्योंकि मैं जो यहाँ पर जो मेरा आई का जो हेड ऑफ स्कूल आ रहा है उसको तो मैं लाखों रुपये में कित तनख्वाह है उसकी तो मैं तो अपनी जेब से दे रहा हूँ हमने कहा कि आप बताओ मैं आपसे ले के आ रहा हूँ तब वो चुप होते हैं पाँच हज़ार की फीस आपको ज़्यादा लगती होगी लेकिन आप जैसे हम लोगों के घर में होता था ना काजू आ गए तो देखते रहते थे कोई छोड़ देते तो यार हम भी खा के चले जाएं आज भी आ गए तो एकदम से कोई ले आया तो खा लिए एकदम से खा लिए नौ हमें बच्चों को डेली देना है पाँच काजू पाँच बादाम एक होता है ना पाँच बादाम रोज़ खाइए कौन खा पाता है हम खिलाएँगे आपके बच्चों को कि अगर आप अपने बच्चों को खिला नहीं सकते हैं तो आप पढ़ा भी नहीं सकते हो मेरा अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अगर आप अपने बच्चों को और रेगुलर कोई नहीं खिला चाहे वो इतना बड़ा आदमी हो चाहे इतना छोटा आदमी हो कोई रेगुलर नहीं खिला सकता है हम अंकुरित दाने रोज़ के रोज़ देंगे हम ड्राई फ्रूट्स रोज़ के रोज देंगे हम टाइम से दूध रोज़ के रोज देंगे हम उसको जो मैं खाना दे रहा हूँ वो ये सब यूरिया वाला नहीं है वो जैविक खरीदा हुआ गेहूँ और चावल सब आ चुका है आपका आपकी एक पहचान सीतापुर में गरीबों की सेवा के सेवक के रूप में शुरू से रही है आपने जाने कितने लोगों को आ, मैंने देखा आ, इलाज करा के यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उन्हें ठीक कराया जो सामान्य तौर पे सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे आपसे जुड़े थे या एक आ, सीतापुर जनपदवासी होने के नाते जुड़े थे ऐसे गरीबों के लिए क्या गुरुकुल विद्या में भी आपने कुछ व्यवस्था की है व्यवस्था है लेकिन गरीब गरीबी से निकलना नहीं चाहता पाँच किलो आसन पे खुश है वो गरीबी से निकलना ही नहीं चाहता वो उठना ही नहीं चाहता वो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता लेकिन हम उनके लिए बैठे हैं अब क्योंकि गरीब गांव गलियारे हमने इतने देखे और इतनी इक्कीस साल के मेहनत के बाद हमने उनको भी देखा हम अब उनके लिए हम अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या है वो लोग जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना पेट काटो आप साड़ी में घर में धो आप दारू मत भी हो आप पुड़िया कम करो केवल सरस्वती जी अगर आपने विरासत में अपने बच्चे को दे दिया तो आपको जो ये आ, ये आज राशन की लाइन में खड़े हो आपके बच्चों को ना खड़ा हो ना पढ़े इस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ाऊँ हाँ आ, गरीब बच्चे 25 परसेंट मैं उन लोगों को लूँगा जो पढ़ना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं जिनके माता पिता आगे बढ़ना चाहते हैं आज मैंने देखा आज मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ आपके सामने कि मैं जब अपना एक संस्थान तैयार कर रहा था तो मैंने नौ मजदूर मंगाए उसमें से छह ब्राह्मण थे आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं छः ब्राह्मण थे आज मैं कह सकता हूँ कि अगर हम अपनों को ही ना बचा पाए तो उन लोगों के लिए उनको मैंने परमानेंट कर दिया आज वो हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी में है कोई किसी में है उनके उन जैसे लोगों के बच्चे को मैं फ्री पढ़ाना चाहता हूँ और जो वो अन्य जाति के भी लोग जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं जो राशन की लाइन से निकल कर आना चाहते हैं मेरे पास उनके बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊँगा बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी ने बताया कि उनका उद्देश्य क्या है बच्चे को सुबह तैयार करके भेजना है आपने बताया उसके बाद पाँच बजे वो पूरी तरह से गुरुकुल विद्या और उसके स्टाफ के लोगों के सहारे बिल्कुल आ, उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था गुरुकुल विद्या में की जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी गुरुकुल विद्या परिवार आ, कल 10 बजे जैसा कि मुझे जानकारी तत्पर जी के द्वारा दी गई चेयरमैन साहब के द्वारा इसका इनाग्रेशन मुनेंद्र अवस्थी जी के करकमलों से होना है आ, मैं निवेदन करूंगा एक अपील करूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभागिता करें और अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुकुल विद्या को एक बार अवश्य अवसर दें बहुत बहुत धन्यवाद अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया